करनाल के जिले के शेखपुरा सुहाना और बीरजपुर गांव में कोरोना वायरस का एक एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से इन गांवों में रह रहे अन्य सभी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन जैसी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं और शेखपुरा सुहाना गांव व आसपास के अन्य गांव को भी सील कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि जिसके चलते नगर निगम करनाल के शेखपुरा सुहाना गांव को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि दोनों जगहों पर सैनिटाइज का काम जोर शोर से किया जा रहा है। इस दौरान गांववासियों को हिदायत दी गई है कि वे अपने घर से बाहर ना निकले और अपने आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज करवा ले। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने शेखपुरा सुहाना गांव में पहुंचकर पूरे गांव को व आसपास के अन्य गांवों को भी सील करने के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पॉजिटिव केस आने की वजह से यह कदम सुरक्षा के तौर पर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं शेखपुरा सुहाना गांव में पहुंचकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को हिदायत दी कि वह किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश ना करने दे एवं हर 5 घंटे के बाद अपना मास्क चेंज करते रहे, हाथ धोकर साफ रखे। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि यह जरूरी हो जाता है कि इन गांव की सुरक्षा की दृष्टि से सील किया जाए, क्योंकि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है जो एक चैन के रूप में अन्य व्यक्तियों में भी इसको फैला सकता है, इसलिए इससे बचाव के लिए सुरक्षा रखनी बहुत जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया द्वारा गांव शेखपुरा सुहाना सील किए जाने के बाद में दौरे की एक रिपोर्ट। देखिए, ये एक SOP है, किसी भी गांव में यदि कोई पॉजिटिव केस आता है या किसी एरिया में तो पूरे एरिया को सील किया जाता है। जितने भी रास्ते इस गांव की तरफ जा रहे हैं सभी पे परमानेंट नाका लगा के उसे सील किया गया है। नंबर दो, पूरे गांव की स्क्रीनिंग होगी थर्मल सेंसर से और साथ साथ पूरे गांव की सैनिटाइजेशन, वो काम भी चल रहे हैं। और इस नाकों पे भी यही हिदायत है कि एक तो अपनी भी प्रोटेक्शन रखेंगे, प्रॉपर मास्क और हैंड वॉश करें बार बार और सैनिटाइजर का भी यूज़ करें। तो बाकी ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है और अच्छा कोऑपरेट करें, ट्रीटमेंट में कोई भी बात है उसे खुल के बताएं। तो ये कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। सर, गांव के और भी लोगों को यानी कि स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, इसमें जो प्रोटोकॉल है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो इमीडिएटली आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, उनके सैंपल लेके भेजे जाते हैं। बाकी जो अड़ोस पड़ोस का एरिया है और बल्कि पूरे गांव का ही, इसमें हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं पूरे गांव। और सर, सीलिंग से लोग घबरा जाते हैं कि सीलिंग पता नहीं क्यों कर दिया, क्या होने वाला है, थोड़ा सा सर उसको डिफाइन कर दें कि सीलिंग से क्या तात्पर्य है पूरा? देखिए, जैसा कि आप जानते हो ये सीलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि ये बहुत हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई किसी के संपर्क में ना आए, ये चेन रिएक्शन है, उस चेन को तोड़ना है। जी, जैसे कि एक पॉजिटिव आया था तो उसका घर में उसका बेटा भी आ गया और एक डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ दो के, तो तीन तो उसी से कनेक्टेड है जी, और एक फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है जो डिस्ट्रिक्ट करनाल में आया है जी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल किसी से कॉन्टैक्ट में ना आए। सील करने का मुद्दा, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि ना तो कोई बाहर का व्यक्ति गाँव में जाए, ना ही कोई गांव का व्यक्ति बाहर आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको सिम्टम ना हो, हो सकता है वो भी इन्फेक्टेड हो जी। काफ़ी केसेस में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है लेकिन उनके सैंपल जो है पॉजिटिव आए जी। तो हमने इस बात पे ध्यान रखना है, सिम्टम हो चाहे ना हो एक उचित दूरी बना के रखनी है और किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करना, फिजिकल कॉन्टैक्ट सबसे बंद हो और अपने घरों में रहें। सर, एक जैसा देखने में दिल्ली में आया था कि कुछ जो कोरोना के पॉजिटिव थे जब उनके सैंपल बाद में नेगेटिव आए, लोग आए तो उनका फूलों से स्वागत किया गया। जो अब यहाँ पे ये स्थिति चल रही है सर कि जो लोग आते लोग उनसे दूरी बना लेते हैं, क्या कहेंगे, उनका तो हौसला बढ़ाना चाहिए सर। नहीं देखिए, जो पॉजिटिव केसेस हैं वो तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते जी। और जो जिन जिन से उनका कॉन्टैक्ट हुआ है उनको उसी के हिसाब से जिस लेवल का कॉन्टैक्ट है या तो क्वारंटीन किया जा रहा है या आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है और जिसकी ज़रूरत लग रही है उसके सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.